नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बुकमार्क कैसे बनाना है और साइट को पॉपअप जो होता है साइट का, उसको ब्लॉक या डिसेबल कैसे करना है। तो जुड़े रहें मेरे चैनल से, क्योंकि ये जब भी कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आवश्यकता पड़ती है, या कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी आवश्यकता पड़ती है, या और बहुत सी चीज़ें जो हैं इस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, अभी सबसे पहले तो इसके ऊपर कोई बुकमार्क आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। आपको ये गूगल क्रोम मैंने खोल रखा है, ये गूगल क्रोम है इसका, और इसको मैंने खोल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि कोई भी बुकमार्क बनाने के लिए आपको बुकमार्क जो पट्टी होती है वो शो नहीं करे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे थ्री डॉट के ऊपर जाना है। देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो थ्री डॉट है ना, इसके ऊपर आना है और इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये इस प्रकार से लिस्ट आएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है बुकमार्क्स। यहाँ पे जैसे आप बुकमार्क पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है इस पट्टी के अंदर शो बुकमार्क, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये देखिए आपके सामने वो बुकमार्क जो पट्टी होती है वो आपके सामने आ चुकी है। अब इस पर बुकमार्क बनाना कैसे है, जैसे मैंने ये बुकमार्क बना रखी है HTS वाला, तो मेरी वेबसाइट खुल जाएगी। GT पे हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये खुल जाएगा। यानी ये जो बुकमार्क कहते किसे हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो है ना, ये बुकमार्क होते हैं जितने भी बनाए हुए हैं, इसको बुकमार्क बोलते हैं। ये अब ये बुकमार्क है, ठीक है, ये जितने भी हैं। तो इस प्रकार से आप जो हैं ये बुकमार्क बना सकते हो, इसको हटा भी सकते हो। जैसे कि मैं इसको हटाता हूँ तो इसके ऊपर क्या करना है आपको, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। हटा करके इस पर राइट क्लिक करना है और डिलीट कर देना है, ठीक है। इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और डिलीट कर देना है। तो इस प्रकार से आप इसके अंदर से बुकमार्क हटा भी सकते हो और बनाना है तो बना भी सकते हो। जैसे इसको मैं डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये तो है हटाना, अब इसको बनाना कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये जैसे ओपन हो जाता है तो उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पट्टी के ऊपर राइट क्लिक करना है। देखिए, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आया है आपके सामने ऐड पेज, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे आया ऐड पेज, तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे जिस साइट का बुकमार्क बनाना है उस साइट का आप बुकमार्क बना सकते हो। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे हमें अभी राजीव 2021 की प्रतियोगिता चल रही है तो उसका बना देते हैं। तो यहाँ पे नाम में राजीव या कुछ भी डाल दो, ठीक है। और यहाँ जो भी दिखाई दे रहा है उस चीज़ को, नीचे वाले को आप डिलीट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास लिंक होना चाहिए जिस पे आपको काम करना है, ठीक है। तो अभी राजीव वाला जो प्रतियोगिता का जो लिंक है वो मैं पहले निकाल लेता हूँ इसका। तो यहाँ पे क्या करना है, जिसका आपको बुकमार्क बनाना है उसका कोई भी नाम अपनी इच्छा से आप डाल सकते हो। और यहाँ पे आपको पेस्ट करना है जो भी प्रतियोगिता हो रही है, जो भी साइट आपको डिसेबल करना है या बुकमार्क बनाना है, या जिस साइट को आप सामने रखना चाहते हो या क्लिक करते ही ओपन करना चाहते हो, तो वो जो है साइट यहाँ पे आपको डालनी है, ठीक है। मैंने ये साइट डाल दी है, अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में यहाँ बुकमार्क के अंदर वो आपको दिखाई नहीं दे, यानी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बुकमार्क हो गए इसलिए पट्टी ज़्यादा हो गई है, तो इस पर दिखाई नहीं देती है। तो आपको क्या करना है कि ये जो थ्री डॉट, ये इस प्रकार से जो एरो का निशान दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे ये देखिए राजीव, ये आ गया। तो इसको आप क्या करोगे, इसको यहाँ से इस प्रकार से पकड़ करके और इसको यहाँ पे माउस को दबा के रखना और इसको यहाँ पे ला करके छोड़ दो, ठीक है। अब इसके ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो इसकी जो वेबसाइट है वो खुल जाएगी। तो इस प्रकार से आप बुकमार्क बना सकते हो। अब पॉपअप डिसेबल कैसे करना है, देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे थ्री डॉट पे जाना है, और यहाँ फिर थ्री डॉट पे जाने के बाद में आपको क्या करना है कि सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग पे आगे, सेटिंग्स पे आने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ठीक है, इसको ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे दिखाई देगा साइट सेटिंग्स, ठीक है। तो साइट सेटिंग पे क्लिक कर दिया, साइट सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में आपको नीचे चलना है और यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये पॉपअप्स एंड रीडायरेक्ट, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देंगे दो, तो यही ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, डोंट अलाउ साइट।
तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पे क्लिक होना जरूरी है, तो वो सेटिंग जो है आपकी हो जाएगी। तो सूचना से लेकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।